नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो सर। हाँ नमस्ते, कौन? सुनील सर बोल रहे हैं सर। हाँ सर, मैं BA TET 2011 बात कर रही हूँ सर। ये जानना था मुझे ना, ये जो केस वापसी वाला है उसमें क्या याचिका वगैरह पड़ रही है, तो जो याची बनेंगे उसी को वापस मिलेगा? किसने कहा ये आपसे? जैसे एक न्यूज था, किसी ने बताया कि कुछ लोग कोर्ट जा रहे हैं, तो जो लोग कोर्ट जा रहे हैं उनका पैसा वापस मिल रहा है, तो मैंने अभी तक उससे किया नहीं 2018 में फीस वापसी के लिए फॉर्म भरवाया गया था, आपने भरा है कि नहीं? है। हाँ फॉर्म मैंने भरा है सर। तो जब आपने फॉर्म भरा तो आपका काम तो खत्म हो गया। गवर्नमेंट अब देगी कुछ लोगों को जो है जल्दी है, तो वो लोग कोर्ट जा रहे हैं। तो अच्छा जैसे आप जो 18 से फॉर्म भर के इतना इंतजार की हैं, गवर्नमेंट लगातार जो है हम अपडेट दे रहे हैं कि वो डाइट से सारा डिटेल मंगा रही है, सब कुछ कर रही है, वो देगी पैसा। अब किसी को बहुत जल्दी है कि नहीं हमें चाहिए तो कोर्ट जा रहे हैं, तो आपको भी अगर बहुत जल्दी है कि नहीं हमें तो बस जल्दी नहीं चाहिए, है, उसके जैसे बिना कुछ काम नहीं लोग, चल रहा, तो आपको जाना हो चाहिए। जल्दी की बात नहीं है, जैसे कुछ लोग कह रहे थे ना कि उसमें भी जो लोग कोर्ट जा रहे हैं उन्हीं को मिल रहा है, तो लग रहा है कि याचिका डालना पड़ेगा, जैसे उसमें शामिल होना पड़ेगा, तो हम तो कह क्यों ऐसी बात लोगों की सुनिए। सुनती हैं आप? गवर्नमेंट की सुनिए ना, गवर्नमेंट क्या कह रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो वो क्यों नहीं देख रही हैं आप कि वो क्या कर रही है? अभी तो उन्होंने जो है 20 तारीख तक मांगा था, 20 अगस्त तक डाइट से, तो डाइट ने जो है सारा डिटेल बनाकर भेजा, उसमें कुछ त्रुटियां पाई गई, तो फिर से लेटर जारी हुआ कि 30 अगस्त तक भेजिए, तो 30 अगस्त तक फिर डाइट ने सबने भेजा होगा, वो लेटर आप पढ़ें कि नहीं पढ़ें? मैं आपके चैनल से जुड़ी हूँ, तो उसमें ये न्यूज़ था जो आपने बताया। तो ये मैंने बताइए, जब आपने देखा है ये न्यूज आया था और हमने जो है वो लेटर भी दिखाया है, बताया है, तो हाँ ठीक गवर्नमेंट कोई चीज कह रही है, लेटर जारी करी, उस पर आपको भरोसा नहीं है? लोग कह रहे हैं उस पर भरोसा है? नहीं, भरोसा तो है, लेकिन अब लगा हमको कि कहीं फिर इसमें याचिका वगैरह न पड़े, तो शायद उन्हीं लोगों को वापस न मिले, ऐसा ना हो। बड़े तो बड़े 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 लोग जो है वो बुकिंग करवा रहे थे चांद पर। आपने वो भी सुना होगा, वो भी आप कीजिए ना, क्यों नहीं कर रही हैं? नहीं सर, ऐसी बात नहीं। ये क्या है ना कि जैसे मैंने फिलअप किया था तो कुछ वापस भी आ गए थे, वो पूरे सबके आए नहीं आए हैं, थे। सबके आए हैं, हमारे 32 थे, 32 में से 2-3 एक्सेप्ट हुए हैं, बाकी सारे वापस आ गए मेरे। अच्छा, तो आपका दो तीन तो था, तो कोर्ट आपका दो तीन का पैसा आ गया? नहीं, और कोर्ट जाने से क्या वो जो वापस आ गए हैं वो कोर्ट जो है उसको मान लेगी? नहीं, उसका तो कुछ नहीं होगा, वो वापस आ गया तो उसका तो तो मिलेगा ही। आप पढ़ी लिखी हैं, समझदार, अगर आपने 10 भेजा उसमें से 5 वापस आ गए, तो वो 5 तो वैसे ही खत्म हो गए, हाँ जो वो तो पांच खत्म गए हो गए। हैं उन्हीं का मिलना है। अब वो बैठे रहे, जो घर बैठा रहेगा शांति से उसको भी मिलेगा, जो कोर्ट जाएगा उसको भी मिलेगा। कोर्ट जो जाएगा खर्चा करेगा, परेशान होगा, उसका नुकसान हाँ होगा, वही और तो जो मैं घर सोच रही बैठा हूँ है कि उसको उसको भी मिलना है। तो हाँ ठीक है सर, वही आपसे मुझे जानकारी लेनी थी, ये क्योंकि याची आपसे बनाने बात वाला हुई काम, ये याची बनाने थी। वाला काम जो है हर समय चलता रहता है। बहुत सारे लोग जो है भर्ती करवा रहे थे कि जो है 72,000 2012 में भर्ती करा देंगे, याची लाभ दिलवा देंगे, ये कर देंगे, 5 साल से 6 साल से ही काम कर रहे हैं, और हम कह रहे थे भैया घर में बैठो, गवर्नमेंट को जो करना होगा करेगी। तो ये बताइए, जो याची बने लखनऊ जा जाके बार बार धरना किए, पैसा खर्चा किए, समय बर्बाद किए, उनको कोई लाभ हो गया? नहीं कोई लाभ नहीं। मैं इसीलिए तो तो आपसे ये डिस्कस करना चाह रही थी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था ना, मैंने सोचा आपसे एक बार। जो लोग मेरी बात मान करके घर में बैठे रहे, नौकरी तो उनको भी नहीं मिली है, लेकिन जो याची बन रहे थे, धरना कर रहे थे, यहाँ वहाँ परेशान हो रहे थे, उनकी तुलना में तो वो लोग उनका अच्छे हैं ना जो घर में बैठे हैं। हाँ, तब क्या पैसा भी गया, समय तो भी गया। ऐसा कोई काम जिसके करने से कोई लाभ ही ना मिलने वाला हो, कुछ जो है विशेष होने वाला ना हो, उस काम को करने से क्या फायदा? तो जो कोर्ट जा रहा है उसको जाने दी, ये तो तरीका है ना लूटने का। ये तो जो कोर्ट कचहरी में वकील लोग हैं, जो नेताजी लोग बने हैं, तो उनकी दुकान कैसे चलेगी? जब आप जैसे लोग उनको 500 रुपया 1,000 रुपया देंगे, ऐसे ही बहुत सारे लोग देंगे, तभी तो वो करोड़पति बनेंगे। अगर उन लोगों को करोड़पति बनाना आपको अच्छा लगता है तो जाइए याची बनिए। नहीं सर ठीक, उसीलिए तो पहले मैं आपसे बात करना चाहती थी इस मसले पर, क्योंकि हमको ये लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ है। अगर वापस होगा तो सबका होगा, और फॉर्म फिलअप कर ही दी गया, जो तो वापस आ गया उनका तो मिला। आखिर क्यों कंफर्म करने की जरूरत पड़ी, हमसे बात करने की जरूरत पड़ी, जब हम ऑलरेडी वीडियो बना के इसको बता भी चुके हैं? अगर
नहीं भी बताए होते तो भी वो लेटर कहीं से आपको मिल गया होता, अखबार में न्यूज़ पढ़ ली होती तो भी आपको वहां पर मान लेना चाहिए। आप पढ़ी लिखी हैं, आपको खुद से समझना चाहिए कि जो गवर्नमेंट करेगी वही सत्य है। हाँ सर, सही कह 69 हजार रहे भर्ती हुआ है, उसमें जो है तरह तरह हैं। के लोग हैं, ये गड़बड़ हुआ वो गड़बड़ हुआ करके कोर्ट कचहरी का किसी का कुछ हो रहा है क्या? नहीं कुछ नहीं, उसमें मेरा आखिर एक नंबर से सुपर टेट मेरा गया, तो मैंने चलिए तो जो कुछ भी नहीं है, तो जो किया। भी मैटर है, कोई कोर्ट कचहरी कर रहा है कुछ भी कर रहा है पिछले 4-6 सालों से, तो अगर कहीं कुछ गड़बड़ है तो कोर्ट ने और अब तक क्यों ऑर्डर कोई नहीं किया? तो ये सब करने से कोई लाभ हुआ क्या किसी को, चाहे कोई भर्ती हो? लोग जो है कोर्ट कचहरी गए कि 68 हजार का बचा हुआ 20 हजार पद 69 हजार में जोड़ दिया जाए, तो क्या कोर्ट में जाने से या याची बनने से क्या वो पद इसमें जोड़ दिए गए क्या? कुछ नहीं हुआ। तो नहीं, वो तो जो गवर्नमेंट का बना फालतू रहेगा। चीजें न सुना कीजिए, सुनाई दे भी तो बस सुन करके भूल जाया कीजिए। तरह तरह के लोग हैं, वो गुमराह करेंगे तभी तो उनका लाभ होगा। हाँ अभी सही बारिश का बोल मौसम रहे चल रहा है, बारिश हो रही है, मच्छर बढ़ गए हैं, तो सामान्य सी बात है, थोड़ा मौसम का उतार चढ़ाव है, सर्दी जुकाम बुखार होना स्वाभाविक है। अब डॉक्टर के पास जाएंगी, उसको फीस देंगी और वो दवाई लिखवा के आ जाएंगी, खा लेंगी, ठीक हो जाएंगी। लेकिन आप सिर्फ उस डॉक्टर को फीस दें, अब वही डॉक्टर आपको डरा देगा कि जांच करा लीजिए, मलेरिया है कि टाइफाइड है कि डेंगू है, डेंगू की जो आशंका लग रही है, जो आप जांच कराएंगी 500 रुपये का, तब तो डॉक्टर को उसमें से 250-300 रुपया कमीशन मिलेगा ना, तो वो तो आपको डराएगा ही कि आप जांच कराइए। हाँ सर, सही तो कह डॉक्टर का काम, वकील का काम, पुलिस वालों का काम डरा करके पैसा लूटना है। ऐसे ही ये लोग रहे भी हैं कि जो जाएगा वो कोर्ट उसी को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, डराएंगे तभी तो उनको 500 हजार 2 हजार रुपये आप देंगी। हाँ। तो नहीं सर, तो आप एक बार जैसे वीडियो में बता रहे हैं कि जिसके पास डिटेल नहीं है वो हमसे डिटेल ले लेगा, तो हमने सोचा कि जो लोग याची बनने वाले उन्हीं को डिटेल की जरूरत पड़ेगी, बाकी तो किसी को जो भेज चुके हैं प्रत्यावेदन उनको हमने तो डिटेल। अगर हमने लिखा कि जिसके पास कोई चीज नहीं है ले लेगा, तो क्या हमने उसमें ये भी लिखा कि याची बनना होगा? नहीं, आप तो ये कर नहीं रहे हैं, हो सके आपने सोचा होगा कि कोई भाई कोर्ट जाना चाहता है, याची बनना चाहता है, तो उसके पास डिटेल नहीं होगा तो हमसे ले लेगा। मतलब जो है हमने उसमें लिखा कि कहीं कोर्ट जाने के लिए जिसको डिटेल चाहिए ले ले, कि हमने नियुक्ति की बात किया? नहीं, ये सब नहीं, डिटेल की बात कर रहे थे कि आप किसी को। बताइए, जब मेरे पास सारा डिटेल है सबका, जब हाँ हमारे साथ जो है 45-46 हजार लोग जुड़े हैं, तो ये काम हम नहीं कर सकते हैं क्या कि 500 रुपया हर किसी से लें, 200 रुपया 100 रुपया हर किसी से लें, याची बनाए? ये काम हम नहीं कर सकते हैं, कर आप सकते तो ऐसा हैं? कुछ कर, आप कर सकते हैं लेकिन करते नहीं ना है ये सब, क्यों नहीं पैसा करते लेने हैं? वाला कोई तो सब। कारण होगा ना। हाँ, क्योंकि आप जैसे कुछ ये गलत तरह से पैसा कमाना या फिर अगर इसी तरह। अगर आज हम किसी मैटर में एक केस दाखिल करके याची बनाना शुरू कर दें, तो ये हाँ, तो जितने बहुत लोग अन्य जुड़ लोग जाएंगे। अन्य जितने लोग हैं उनके पास इतने लोग नहीं जुड़े हैं, मेरे पास तो यूट्यूब पर 46 हजार लोग जुड़े हुए हैं, हाँ, तो सही कह रहे हम तो बड़े आराम से उनसे कई गुना, अगर हम सिर्फ हैं। 100-100 रुपये भी मांगेंगे, 46 हजार लोग अगर 100 रुपया भी देंगे, हर व्यक्ति देगा, तो कितना पैसा आ जाएगा मेरे पास? वो तो सही है, लेकिन यही जो आपकी बात हम सुने ना वीडियो में, तो हमको लगा कि शायद सब लोग बन रहे हैं तो आपसे डिटेल लेंगे, क्योंकि बहुत अरे लोग तो के भाई पास जहाँ डिटेल। जरूरत होगा, तो जब हम उस पर वीडियो बना करके ऑलरेडी डाले हैं, तो उसमें हम अगर जरूरत होता है याची बनने का, तो उस वीडियो में हम ये भी कहते ना कि हाँ आप लोग भी याची बनिए, या अलग से कोई वीडियो बना करके भी तो हम कहते ना कि हाँ याची बनिए। हाँ, ये तो है, आप ये बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये सोचा कि हो सके सब लोग बन रहे हैं तो। बल्कि हम हमेशा लिख रहे हैं, अभी कल आज सुबह भी हमने पोस्ट डाला, हम हमेशा लिख रहे हैं, हर पोस्ट में लिख रहे हैं कि न कहीं या धरना में जाइए न कहीं याची बनिए। हाँ, याची बनने से थोड़े कोई चीज हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम कोर्ट चले जाएं कि जो है आप हमको जो है हम आपसे 10 लाख रुपए मांग रहे हैं, आप हमको नहीं दे रही हैं, तो कोर्ट जाने से क्या आप हमको 10 लाख रुपए दे देंगी क्या? नहीं सर, बस वही जो वीडियो में आपका ने थोड़ा कंफ्यूजन हो गया हमको, समझने में लग रहा है, हम सोचे कि। कंफ्यूजन इसलिए नहीं हुआ कि हम क्या कह रहे हैं क्या नहीं, कंफ्यूजन इसलिए हुआ कि आपको अपने पढ़ाई लिखाई पर भरोसा नहीं है, अपने बुद्धि विवेक पर, अपने सोच पर, अपने विचार पर भरोसा नहीं हो रहा है। पहले तो खुद पर भरोसा करना शुरू कीजिए कि आप अगर कोई निर्णय लेंगी तो वो सही निर्णय लेंगी, आप अगर कुछ करेंगी तो सही करेंगी। ठीक है, आपने अखबार पढ़ा, आपने फेसबुक को पढ़ा, यूट्यूब पर सुना, कहीं देखा, कुछ भी, फिर अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग कीजिए कि क्या कैसे होता है और हमें क्या करना चाहिए।
जिस दिन आप खुद के बुद्धि विवेक पर जो है भरोसा करने लगेंगी, उस दिन आपको सब समझ में आने लगेगा। सबसे पहले हर व्यक्ति को एक ही काम करना है, खुद पर भरोसा। जो खुद पर भरोसा नहीं करता है वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली या अन्य कोई भी खिलाड़ी अगर वो सिक्स मारता है, छक्का मारता है, तो वो पहले खुद पर भरोसा करता है, क्योंकि सामने तो बड़े से बड़े बॉलर आएंगे गेंद फेंकने वाले, एक से एक गेंद फेंकेंगे, बहुत तेज गेंद फेंकेंगे। अब वो डर जाए सर सामने वाले की गेंद फेंकने से, तब तो वो मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। अभी बात ये है ना आपको, कि इतनी सुनिए सुनिए, सारी पहले पहले चीजें। सुनिए, हाँ अगर अभी बताइए। आपको बैट दे दिया जाए, कल्पना कीजिए आप मैदान में जाइए, बैट दे दिया जाए और वहाँ जो बच्चे खेल रहे हैं वो बॉलिंग करें, आप क्या लगता है कितनी गेंद आप जो है मार पाएंगी? मैं हर गेंद पे मार पाऊंगी, लेकिन अब वो सिक्स जाएगा कि फोर्थ जाएगा या फिर ठीक, कितना दूर आपने जाएगा उसका आपने मुझे कहा, अंदाजा नहीं। आपने कहा कि जो है जो बच्चे गेंद फेंकेंगे हर गेंद को आप मार पाएंगे, लेकिन जो क्रिकेट हाँ में, चाहे वो भारत पाकिस्तान का होता है या किसी का होता है, वहाँ जो बॉलर गेंद फेंकते हैं आपने देखा होगा कितना तेज फेंकते हैं। हाँ वो तो स्पीड स्पिनर होते हैं। आप कल्पना कीजिए आप बैट लेकर हैं और उनकी बॉल आ रही हो, कितना उम्मीद है कि आप मार पाएंगी? नहीं उस पे हम नहीं कुछ कर सकते अभी। हाँ देखिए, अब जैसे ही अभी तक हमने बात किया कि जो बच्चे हैं उनकी गेंद, तो आपने कहा कि लगभग हर गेंद तो मार लेंगे, भले अब वो चौवा लगे, छक्का लगे या कुछ भी, लेकिन मार तो लेंगे। ठीक है, इसका मतलब आपने कभी न कभी जो है बैट हाथ में पकड़ा है, खेला है थोड़ा बहुत, कभी न कभी, तभी आप इतना भी बोल पाई हैं। खैर, तो लेकिन जैसे ही बात हुई फास्ट गेंद आने की, आपका कॉन्फिडेंस डोल गया। लेकिन वहीं पर आप देखिए, वीरेंद्र सहवाग हो, सचिन तेंदुलकर हो, विराट कोहली हो, इनके सामने भी तो वो गेंद फेंकते हैं, लेकिन वो उठाकर जब मारते हैं तो बड़ा बड़ा सिक्स उठने लगता है, 100-100 रन बनाते हैं, है ना? तो उनको किस पर विश्वास है, बैट पर विश्वास है? नहीं। खुद पर उनको विश्वास उनको अन्य उनके साथ जो खिलाड़ी हैं उन पर विश्वास है? नहीं, नहीं, वो खुद पर खुद पर विश्वास। भरोसा कर रहे हैं कि ये चाहे जैसा गेंद फेंकेगा, जो भी गेंद फेंकेगा, हम इस पर जो है चौका मारेंगे, छक्का मारेंगे, और उस विश्वास के साथ वो जब खेलते हैं तो 100-100 रन बना ले जाते हैं। तो वो अगर वहां पर डटे हुए हैं तो अपने ऊपर विश्वास करके, फिल्म इंडस्ट्री में इतने सारे जो है नेता, वो अभिनेता हैं, इतने सारे एक्टर हैं, न जाने कितने नए नए एक्टर आ गए, खूब बढ़िया डांस करने वाले, खूब बढ़िया एक्टिंग करने वाले, लेकिन अमिताभ बच्चन आज तक टिके हुए हैं, और अमिताभ बच्चन के टाइम के लोग रिटायर हो गए हैं। उन्हीं के टाइम के धर्मेंद्र जी रहे, उन्हीं के टाइम के अन्य भी लोग रहे, लेकिन वो लोग अभी आ रहे हैं क्या, फिल्म बना रहे हैं? नहीं, नहीं लेकिन अमिताभ जी अभी भी डटे हुए हैं। क्यों? उन्हें खुद पर भरोसा है ना? तो कोई भी फील्ड हो, कहीं भी जो है, कोई फील्ड, किसी भी जगह उठाकर देख लीजिए, जो भी सफल है वो सफल इसलिए सिर्फ है क्योंकि वो किसी और पर नहीं, खुद पर भरोसा करता है। तो आपने जो डिग्री लिया है, जो पढ़ाई किया है, उस ज्ञान का प्रयोग कीजिए, खुद पर भरोसा कीजिए, वैसे ही भरोसा कीजिए जैसे आपने कहा कि चौका लगेगा या छक्का नहीं मालूम है, लेकिन हर गेंद वो मारेंगे, ये जो भरोसा आपने बताया जताया अपने ऊपर, ऐसे ही यही भरोसा आपको इस फील्ड में भी दिखाना है। जैसे आपने कभी भी क्रिकेट खेला है, बैट पकड़ा है, तो आपको इतना तो पता है कि हम मैदान में जब भी जाएंगे तो गेंद सामने से कोई फेंकेगा तो हम झेल तो जाएंगे, चाहे गेंद को रोकें या चौका मारें या छक्का मारें। तो वैसे ही इसमें भी भरोसा कीजिए ना अपने ऊपर, कि आप जब गवर्नमेंट की चीजों के बारे में कोई चीज समझना चाह रहे हैं तो गवर्नमेंट पर भरोसा कीजिए, उससे संबंधित जो गवर्नमेंट लेटर आ रहे गवर्नमेंट हैं। पर तो भरोसा है सर, बस क्या है ना कि अब 2011 में बीएड करने के बाद इतनी सारी उतार चढ़ाव हम लोग झेले हैं ना, कि अब लगता है कि सब कुछ उसी पर डिपेंड है कि कैसे जो कर रहा है तो उसमें ये करे तो हो जाएगा। कि जैसे क्या हुआ था एक बार, आप जानते होंगे, मुझे मतलब पूरा नहीं कन्फर्म है, 839 जो लोगों की याचिका पड़ी थी जिनको मतलब ज्वाइनिंग मिल गई थी और उसमें कम नंबर वाले पा गए थे, तो बाद में लगा कि अरे इतने कम नंबर वालों का हो बता गया रहे हैं, और अभी अब आपको समझा रहे हैं, वही आप सब चीजें। अब आपको समझ, 839 का भी मैटर हम बता रहे हैं। पहले अभी आपने कहा कि सर इतने सारे, इतना समय निकल गया है कि जो है भरोसा इसलिए नहीं हो रहा है, उसके कई कारण आप बता रही हैं कि समय खास चीज, कितना लंबा समय हो गया है, ये बताइए। आप अभी हम क्रिकेट का उदाहरण लिए थे, फिर से लेते हैं, आप मैदान पर डटी हैं,
एक गेंद आया, आपने उसको झेल लिया, चौवा छक्का नहीं लगा, दूसरा आया, तीसरा आया, सब में किसी में चौवा छक्का नहीं लगा, तो क्या अब किसी गेंद पर चौवा छक्का आप मार ही नहीं पाएंगी? क्यों नहीं, किसी पे तो मार ही देंगे। जितने भी क्रिकेटर, बड़े बड़े क्रिकेटर खेलते हैं, टीवी पर देखती होंगी, क्या हाँ आते ही वो चौवा छक्का मारते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आते हैं शुरू शुरू में, तो आने के बाद वो टिकना चाहते हैं, पहले रुकना चाहते हैं, समय देते हैं, गेंद को समझते हैं, फिर उसके बाद वो अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा करके फिर उठाकर मारते हैं। तो समय देना मतलब कॉन्फिडेंस कम होना, लो होना नहीं होता है। समय देना मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ना, अनुभव बढ़ना। आप जितना समय देंगे अनुभव बढ़ेगा, अनुभव बढ़ेगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। आपका तो लो हो रहा है, उल्टा हो रहा है। जैसे जैसे हाँ समय, सर, अब आसपास का माहौल और घर परिवार नहीं के लोग भी माहौल शायद वगैरह से से कुछ नहीं बोलते हैं होता है। हमारे अरे भाई, लिए। अभी बीएड को जो लोग कह रहे हैं बाहर हो गया, बाहर हो गया, बाहर हो गया, तो हाँ हमें भी सर, तो ये बात आसपास बात के लोग, सही तो हमें भी है। जी आसपास के लोग और अन्य सारी चीजों को जो है सुन करके अपना फैमिली के कॉन्फिडेंस लोग खो देना चाहिए। भी, फैमिली के लेकिन लोग भी तो कहते सुनिए, हैं। तो हमें भी सबका सुन करके अपना कॉन्फिडेंस खो देना चाहिए। लेकिन हम जजमेंट पढ़ रहे हैं, समझा रहे हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस लो हुआ कि बीएड प्राइमरी से बाहर हो गया, नहीं हाँ, क्या? हमसे भी अब जो कहते हैं तो हम कहते नहीं, वो पूरी जानकारी नहीं, आप लोग पढ़े अधूरी जानकारी, हाँ, पूरा पढ़िए। तो हमारा कॉन्फिडेंस लो नहीं हो रहा, बल्कि हम लोगों को समझा रहे हैं और बता भी रहे हैं कि फिर से नया गजट आएगा, सब कुछ होगा। तो कॉन्फिडेंस लो क्यों करना? जैसे ही कुछ होता है तो हमारा तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और हमने जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पढ़ा तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो कॉन्फिडेंस हर तरह से बढ़ना चाहिए ना। इतने सारे लोग हैं, न जाने क्या क्या कहते हैं, लेकिन हम लगातार कह रहे हैं कि वर्षवार नियुक्ति होगी, तो क्या ये कोर्ट ऑर्डर आया तो क्या हमारा वर्षवार नियुक्ति वाला, हमने वो कहना छोड़ दिया क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं, क्योंकि क्यों? क्योंकि आप जान रहे हैं सच्चाई, आपने पूरा पढ़ा है, पूरी जानकारी तो आप जब हम समझ रही हैं कि हमने पूरा पढ़ा है, हमें जानकारी है, तो हमारा कॉन्फिडेंस लो नहीं हो रहा है। हम ली बल्कि जब भी कुछ हो रहा था और स्पीड से, पहले हम एक दिन में एक वीडियो या दो वीडियो डाल रहे थे, अभी है। जब ये बीएड वाला जब से मैटर हुआ तब से हम दिन में तीन तीन चार चार डालने लगे। हाँ तो सर, कॉन्फिडेंस को लो नहीं करना है, बल्कि जब इस तरह की बात नेगेटिव सामने से आए तो, और बल्कि डट करके उसका जवाब देना है। हाँ तो मैंने कहा, मुझसे जो भी रिलेटिव चाहे जो भी मेरे परिचय के हैं, मैंने तुरंत कहा कि नहीं, वो सही नहीं, तो आप लोगों ने पढ़ा नहीं पूरा, ऐसा नहीं है, गेट बाहर नहीं है। अभी एक ऑर्डिनेंस जारी करेगी गवर्नमेंट और हम लोग को शामिल किया जाएगा, नई शिक्षा नीति पड़ी, उसमें जब 2 वर्षीय, 4 वर्षीय, 1 वर्षीय बीएड को ही शामिल करने की बात की गई है, तो फिर हम लोग को बाहर क्यों किया जाएगा, तो ये बात जिनको मैंने कहा। जिनको आपने कहा वो लोग क्या कहे फिर ये सब सुन के? वो लोग बस सुन के चुप हो गए, वो लोग मतलब इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, उन लोग को लग रहा है कि अरे ये ऐसे ही कह रही है। तो कुल मिलाकर के आपने उनकी बात को काटा, उनके पास हाँ, आपकी बात सुनने के बाद जवाब नहीं था, नहीं जवाब तो वो था। आपको या तो जो है जवाब नहीं देना चाह रहे, बहस में नहीं पड़ना चाह रहे, या ये समझ लिए होंगे कि इसको समझ में नहीं आ रहा, जो भी, लेकिन कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं आपकी बात सुन करके उनके पास जवाब नहीं रहा कहने के लिए नहीं ना। रहा। तो ये हाँ नहीं क्यों रहा, हुआ? मैंने सबको निरुत्तर कर दिया तो क्यों जितने भी हुआ मुझे। ऐसा? क्योंकि आपके पास जानकारी थी, उनके पास जानकारी नहीं है उतनी, वो बस नहीं सुनी सुनाई अखबार की बातें, यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हैं, है ना? तो ऐसे ही हर जगह अपना कॉन्फिडेंस हाई रखिए। अभी तो बीएड का कुछ भी नहीं हुआ है, हमारी बातें, हमारी वीडियो देख देख करके आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई है कि आपने सबको जवाब दे दिया। तो हाँ, बस ऐसे आपका ही वीडियो देखे, आपसे जानकारी लेके, और कुछ आप जो मतलब डालते रहते हैं, मैं उसको पढ़ती रहती हूँ, भले ही पूरा ना पढ़ूं, लेकिन हाइलाइटेड पढ़ के भी मुझे बहुत कुछ समझ में आता है, तो मैं समझ जाती हूँ कि नहीं ऐसा कुछ नहीं तो हर चीज को ऐसे ही समझ करके काम करना है। किसी के कह है। देने मात्र से किसी चीज पर भरोसा नहीं कर लेना है। हाँ लोग लोग कहेंगे कि कौवा कान लेकर भाग गया, कान लेकर भाग गया, तो लोग की बात सुनकर के कौवे के पीछे भागेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। अभी सर जो आधार पैन लिंक करने वाला था, एक आपको पता होगा, तो उसमें 1,000 वो लग रहा था पैसा, तो उसमें वो सबके लिए नहीं है, वो सबके लिए नहीं है, तो मैंने नहीं लिंक किया। मैंने कई लोगों का चेक करके बताया, तो उन्होंने वो लिंक कराने जा रहे थे 1,000 रुपया देके, और साइबर कैफे वालों ने बहुत सारे लोगों का लिया और लिंक किया, तो क्या पता उन लोगों का ऑलरेडी लिंक रहा हो, वो पैसा तो ले बिल्कुल, लिया होगा। ये आधार कार्ड को लिंक करने का काम पैन कार्ड से, ये सालों से चल रहा है। शुरू में न्यूज आई कि सबको लिंक करना अनिवार्य है, तो कुछ लोग वेबसाइट पर जाकर खुद से लिंक किए, बैंकों में जाने पर बैंक वालों ने कहा भैया ऐसे नहीं होगा, आप जो है आधार कार्ड और पैन कार्ड का फोटो कॉपी दीजिए, तो आपने दिया तो वो खुद ही लिंक कर दिए वहां से।
आप हाँ जो है गैस का सिलेंडर वहाँ जहाँ से लेती होंगी, जहाँ से आता हाँ होगा, गैस वालों ने सब्सिडी के लिए कहा होगा कि पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करना होगा, वहाँ आपने दिया होगा या जहाँ भी दिया जैसे भी, तो मैक्सिमम लोगों ने पहले ही लिंक कर रखा है। कर रखा है, और लेकिन साइबर लोग वालों ने तो समय एक के एक चीज साथ, अभी कर ले लिया। हाँ लेकिन समय के साथ लोग भूल जाते हैं, और उन लोगों के लिए न्यूज आया कि जो लोग अब तक लिंक नहीं किए हैं अब उनको पेनाल्टी के साथ लिंक करना पड़ेगा। हाँ, लिंक करना तो अब पड़ेगा। ये बात किसी को याद है कि हमारा लिंक हुआ है कि नहीं हुआ है? जिसको याद है वो चुपचाप बैठा हुआ है, जिसको नहीं याद है तो वो फिर साइबर कैफे पर जा रहा है और पता चला कि वो है साइबर कैफे वाला, चेक किया लिंक है, बताया हाँ, नहीं बताया जो भी करके वो पैसा ले लिया, उल्लू बना ले दिया। लिया। हाँ, उल्लू बना दे, वो ऑलरेडी लिंक है, वो डॉक्यूमेंट और पैसा देके चले आएंगे, वो कहेगा हम लिंक कर दिए, पैसा तो ले क्या, लिया। तो इसमें आपको जानकारी थी, आपने चेक किया, तो आप जो है जो ये उल्लू बना रहे हैं, जो भ्रम की स्थिति है उसमें नहीं पड़ी। नहीं, तो इसी तरह से हर चीज की जानकारी, हर चीज की, कुछ भी हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, हर एक खबर पर नजर रखनी है। घर में आपको पसंद होगा गाना सुनना, आपको पसंद होगा सास बहू वाला जो है प्रोग्राम देखना, या कुछ भी पसंद होगा, वैसे ही अपने पसंद को चेंज कीजिए। जैसे ये सब पसंद आ गया वैसे ही आपको पसंद आने लगेगा न्यूज। तो घर में जब भी रहिए टीवी ऑन कीजिए, न्यूज चैनल चलाइए, कोई ना कोई न्यूज चल रहा होगा। कपड़ा धुल रही हैं, न्यूज चला दीजिए। खाना बना रही हैं, न्यूज चला दीजिए। कुछ भी कर रही हैं, न्यूज चला के छोड़े रहिए। दिन भर में इतनी जानकारी आती रहती है। देखिए, सास बहू धारावाहिक देखने से या गाने सुनने से या अन्य किसी चीज से उतना लाभ नहीं होगा, लेकिन अगर न्यूज चैनल अक्सर देखती रहेंगी तो क्या चल रहा है, क्या अपडेट आ रहा है, रोज अखबार सुबह पढ़ेंगी आधा घंटा, तो नई नई जानकारी होती रहेगी। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इस पर जो है बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, आपसे संबंधित जो ग्रुप हैं उनमें रहेंगी, तो क्या अपडेट आ रहा है सब मिलता रहेगा। तो आज के टाइम में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है इन्फॉर्मेशन। हाँ सर, इन्फॉर्मेशन जिसके पास है, जानकारी जिसके पास है, वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, अन्यथा लोग यहाँ पर लूटने को बैठे हुए हैं। सर आप ऐसा है कि जैसे आधार पर लिंक वाले में कुछ इनकम की लिमिट रखी गई है, उन्हीं लोगों के लिए कंपलसरी है ना, ये सबके लिए नहीं है? देखिए, भारत में जो भी व्यक्ति रहता है तो उसका आधार कार्ड तो बना होगा, हाँ, बना है। नहीं अगर किसी का बना है तो हर हाल में उसको बनवा लेना चाहिए, चाहे वो अभी बच्चे का हाल ही में जन्म हुआ उसका भी बन रहा है, बच्चों का भी, ठीक है। तो उसके बाद फिर कोई भी व्यक्ति, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो या कोई भी हो, अगर पैसे के लेन देन से संबंधित कोई काम करता है कहीं भी, छोटा या बड़ा, तो उसके लिए पैन कार्ड आवश्यक है। तो आजकल तो बच्चा स्कूल में भी पढ़ रहा है तो उसको जो है छात्रवृत्ति वगैरह मंगाना है तो उसको बैंक अकाउंट खोलना है, या कोई भी छोटा मोटा काम धंधा कर रहा है तो उसको भी बैंक अकाउंट से संबंधित जरूरत पड़ेगी ही। तो आजकल तो बच्चों को भी के भी पैन कार्ड बन रहे हैं, बड़ों के भी बन रहे हैं। तो जब पैन कार्ड हर किसी का बन रहा है, आधार कार्ड हर किसी का बन रहा है, तो एक व्यक्ति के पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, एक आधार नंबर होना चाहिए, और एक व्यक्ति के पास एक ही पैन नंबर होना चाहिए। जहाँ कहीं कोई भी काम करेगा तो उस आधार से वो सारी चीज़ें जुड़ी रहेंगी, और पैसे का लेन देन कहीं करेगा तो वहाँ पैन कार्ड से संबंधित जानकारी होनी चाहिए, जैसे बैंक वगैरह में खाता है तो पैन कार्ड, ताकि जो है वो कोई भी काम कर रहा है तो उसकी जानकारी गवर्नमेंट तक पहुँचती रहे। तो हाँ, इसलिए लेकिन ये क्या है दोनों सर आपस में ना, लिंक कराए जा रहे हैं। क्या है वो क्या है कि मेरा पहले ना पैन कार्ड बना, उसके बाद आधार कार्ड में बना, तो मेरा लिंक नहीं है। ऐसे जिसका पहले आधार बना बाद में पैन कार्ड, तो उसका ऑलरेडी लिंक है क्योंकि उसी को लगा कर अटैच करके बन गया, और यही यही दिक्कत है। तो ये कंपलसरी, ये शायद कुछ इनकम की लिमिट रखी गई है, उन लोगों के लिए अनिवार्य है। सबके लिए अनिवार्य है, कोई भी व्यक्ति अगर आधार कार्ड बनवा रखा है और पैन कार्ड भी बनवा रखा है, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो 1 रुपए का लेन देन कर रहा हो चाहे वो करोड़ों का लेन देन कर रहा हो, हर व्यक्ति के लिए ये अनिवार्य है। अभी अगर ये सब नहीं होगा तो अकाउंट बंद हो जाएगा, ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएंगे। अगर ये नहीं होगा तो तब भी सारा काम होगा, लेकिन वहां जाने पर वो आपको कहेंगे भैया अपना पैन कार्ड जो है वो आप अपडेट कीजिए, केवाईसी कराइए, तो पैन कार्ड मांगेंगे, आपको पैन कार्ड जो है उसकी कॉपी देनी होगी। तो काम तो तब भी आपका होगा, लेकिन उस वहां पर जाने पर आपको एक स्टेप बढ़ जाएगा, पहले कहेंगे कि पैन कार्ड की कॉपी दीजिए तो आधार कार्ड दीजिए,
केवाईसी कराइए, कुछ ना कुछ कहेंगे, तो अच्छा वो कराना तब भी पड़ेगा। तो चाहे हाँ जैसे भी कराना है, कराना ही है, एक बार हर हाँ जगह एक बार अपडेट हो गया तो काम खत्म। अब जो नहीं किया है तो उसको तो फिर पेनाल्टी वही 1,000 रुपये दे करके कराना पड़ रहा है। नहीं मेरा कुछ करेक्शन है ना, स्पेलिंग डिफरेंट है इसीलिए तो करेक्शन वो कराना स्पेलिंग में पड़ेगा। मिस्टेक, नहीं स्पेलिंग मिस्टेक है वो अलग मैटर हो गया, आपका लिंक है वो एक अलग बात है। तो स्पेलिंग में कहीं मिस्टेक है, सुधार कराना है, उसकी अलग प्रक्रिया है, उसको पूरा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ठीक है सर। ठीक सर है, वो जो 839 का बता रहे थे, क्या हाँ आठ सौ उनतालीस बताऊँ का आपने कहा कि 839 को मिली है, कम नंबर वाले भी हैं। मैं। हाँ अभी आपके घर कोई भी व्यक्ति आए, हम कई बार कई लोगों से चर्चा किए हैं और उनसे यही सवाल किए हैं, आपसे भी कर रहे हैं, आपके घर क्या कोई अनजान व्यक्ति आ जाए, अभी आपके घर का घंटी दबाए या आपके घर दरवाजे पर नॉक करे और आपने दरवाजा खोला, वो कहे कि हम बड़े मुसीबत में हैं, हमारा बच्चा बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका ऑपरेशन कराना है, हमें 10 लाख रुपए की जरूरत है, कृपया हमें कुछ पैसे दे दीजिए, कितना पैसा आप देंगी उसको? सर ऐसे मतलब उसकी कुछ मजबूरी है तो 150 देंगे, और क्या देंगे, इतना पैसा तो खुद ही नहीं है पास, मतलब देगा अनजान अरे व्यक्ति को वो कौन। 10 लाख मांग रहा है, आप 150 में उससे क्या होगा, वो 10 लाख रुपए मांग रहा है। नहीं तो वो अनजान व्यक्ति है, उसको हम जानते ही नहीं है, पता नहीं वो जो बता रहा है सही है कि नहीं है, और तो उतना है नहीं भी दें। नहीं है। अच्छा अब दूसरी बात कि कोई व्यक्ति आपके दरवाजे पर आकर बेल दबा रहा है, दरवाजा खटखटा रहा है, आपने दरवाजा खोला, दरवाजा खोलते वो बंदूक आपके सर पर तान दिया, या आपके बगल में आपका बच्चा भी खड़ा था, बच्चे के सर पर लगा दिया बंदूक, कहा कि घर में जितने भी सोने चांदी की जेवरात हैं, जितने पैसे हैं, फटाफट निकालो, और घर में कोई नहीं है उस वक्त, न पड़ोसी कहीं है कि आप हेल्प किसी के ले सकिए, वो बच्चे के सर पे बंदूक लगा, कहा कि शोर नहीं करना है, सारे जो है गहने वहने दो, जितने घर में पैसे पड़े हैं सारे दो, अब आप क्या करेंगी? सर वो तो जान पे बनाएगी तो वो तो लूटने के लिए आया है तो लूट के ले ही जाएगा, तो अब उस वक्त मैं आप क्या अपने करूँ। बच्चे की जान बचाने के लिए उसको, जो घर में भी जो भी सोना चांदी या कीमती सामान है, वो कहेगा मोबाइल दे दो, वो कहेगा कि जो तुम्हारे पर्स में पैसे हैं वो दे दो, तिजोरी खोलो उसमें से पैसे दो, गले में जो पहनी है वो हार दे दो हमें, अंगूठी दे दो हमें, तो सब निकाल के देंगी कि नहीं देंगी? देंगे हाँ, वो जो जो मांगेगा उस वक्त देंगी ना, क्यों देंगी? क्योंकि क्योंकि बच्चे की जान बंदूक बचानी है, हाँ बंदूक लगा रखा है। तो पहले वाले कंडीशन में तो 150 आप दे रही थी, दूसरे वाले में आपने इतना क्यों दे दिया? क्योंकि वो बच्चे की जान की बात है ना, क्योंकि पहले वाले में ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी, दूसरे वाले में मजबूरी मजबूरी है। तो है। हाँ मजबूरी, गरज, ये जो है ना, ये सबसे बहुत बड़ा चीज होता है और यही करवाता है लोगों से हर चीज। तो ऐसे ही जब कोर्ट में कोई मैटर जाता है तो कोर्ट के पास 1,000 रास्ते होते हैं, ठीक है, लेकिन जिसके खिलाफ गया है कोर्ट में मैटर, अब वो मैटर गया था अखिलेश यादव जी के खिलाफ, यानी उनकी सरकार के खिलाफ, है ना, वही तो मैटर उलझाए थे और अच्छा उन्होंने समायोजन किया था अवैध, और वो उसको बचाना चाह रहे थे किसी भी कीमत पर। तो उसको बचाने के लिए वो कह रहे थे कि हम ये भी कर देंगे, हम वो भी कर देंगे, वो उस वक्त किसी भी तरीके से चाहते थे कि समायोजन रद्द न हो, और लेकिन उन्होंने किया तो था अवैध, तो वो तो रद्द तो होना था। तो उस वक्त जब उन्होंने देखा कि मेरा गला फंसा हुआ है, तो वो जो है हर चीज करने को तैयार थे, कह रहे थे कि मेरे पास 4 लाख से ज्यादा पद है, हम सारे टेट वालों को नौकरी दे देंगे, आप शिक्षा में समायोजन रद्द मत कीजिए, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए। तो उनका गला फंसा हुआ था कोर्ट में मैटर जाने की वजह से। तो वही दूसरी वाली कंडीशन थी कि उनके सर पर जो तलवार लटक रही थी, तो मजबूरी में वो हर चीज करने को तैयार थे, तो जो याची लाभ ये वो जो भी हो सका वो करने को तैयार थे, और करवा करके किसी भी तरीके से आगे बढ़ना चाहते थे, तो वो जो कर सकते थे कोर्ट ने उनसे करवाया, फिर मैटर को आगे बढ़ाया। तो वो अलग कंडीशन थी, ठीक है, तो उन्होंने गलती किया था, गलत काम किया था, इसलिए जो है कोर्ट के हर शर्त मानने को जो है तैयार थे। तो जब कोई गलत करेगा या कोई अगर कहीं गला फंसा हुआ है, किसी के सर पर तलवार लटक रही है, तो वो तब मजबूरी में करेगा कि नहीं, हर चीज करेगा ही। तो वो एक अलग मैटर था, उस वक्त याची लाभ मिला, अब उस तरह का कोई मैटर नहीं है। उस वक्त शिक्षा में समायोजन अवैध हुआ था, अभी क्या कोई अवैध समायोजन हुआ है क्या? तो फिर क्यों गवर्नमेंट जो है कोई भी शर्त पर तैयार होगी? उन्होंने अच्छा अवैध सर काम जो किया आप था बता ना। रहे थे ना, ये 2011 टेट पास का वर्तमान नियुक्ति,
ये कब तक हो जाएगा सर? जैसे 2024 में आचार संहिता लग जाएगी तो उसके पहले हो जाएगा कंप्लीट? और अगर मान लीजिए वन नेशन वन इलेक्शन वाला ये जो बिल आने जा रहा है ये पास हो गया, तो क्या इलेक्शन जो है उसी टाइम पर होगा या 6 महीना आगे जाएगा? नहीं, इलेक्शन तो उसी टाइम पे होना चाहिए, ये अच्छा, वाला। मतलब जो है आप जो है कहा गया आपके पति देव ने फोन किया कि जो है 4 मेहमान आ रहे हैं, भोजन बनाइए, 12 बजे आएंगे, और आप 12 बजे तक जो है भोजन तैयार कर रही थी 4 व्यक्ति का। अब जब 12 बजे लोग आए तो पता चला 4 की जगह 15 लोग को लेकर के आ गए। अब आप क्या कहेंगी उनसे, सबके लिए भोजन कितने देर में मिलेगा? तो फिर और थोड़ा टाइम लगाएंगे और जो बाकी मांगे लोग आप उनके कहेंगी लिए कि भी नहीं कि काम। हमें जो है 1 घंटा 2 घंटा और लगेगा, इतने लोग के लिए और खाना बनाना पड़ेगा, काम बढ़ गया है। तो ये जो इलेक्शन कमीशन अपने हिसाब से अगर तैयारी कर रहा है 2024 में चुनाव कराने को, और वन नेशन वन इलेक्शन ये इस तरह का चीज पास हो, पूरे भारत में एक साथ सारे चुनाव कराने हो जाए, तो क्या इलेक्शन कमीशन का काम बढ़ेगा? नहीं तो इलेक्शन टल जाएगा, यानी जो होने वाला है मार्च में, फरवरी में टलेगा या होने नहीं वाला है। टलेगा पहले बताए, उसका काम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ, काम तो बढ़ेगा ही। काम बढ़ेगा तो वो क्या उतने समय में ही कर पाएगा या समय मांगेगा? नहीं, समय भी नहीं है। तो अभी तो 18 से 22 तक धैर्य रखिए, और कोई भी चीज इलेक्शन के आने या इलेक्शन के होने या आचार संहिता के लगने से कोई चीज रुक नहीं जाएगा, कोई चीज ऐसा नहीं कि बंद नहीं हो जाएगा। ये चुनाव आने पर आप लोग को हो गया जाता है कि हर चीज को चुनाव से जोड़ करके देखना कि बस चुनाव हो जाएगा, उसका प्रलय आ जाएगा, उसके बाद तो कुछ होगा ही नहीं। नहीं 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 सर, बात ये कि आचार संहिता लग जाती है तो फिर नहीं ना होता है ये सब ज्वाइनिंग अरे वाला आप केस। यूपी में रहती हैं, यूपी में कौन सा आचार संहिता लग जाएगी? यूपी सरकार काम नहीं कर सकती है? हो सकता है। तो दूर तक सोचा कीजिए और इलेक्शन से हर चीज को मत जोड़ा कीजिए, ठीक है? और हाँ अगर सर। आचार संहिता लगता भी है, नहीं भी लगता है, तो आपके बस में है क्या कोई चीज? नहीं, तो क्यों इतना चिंतित हो रही हैं? जैसे इतना समय कटा है, वैसे 6 महीना 1 साल 2 साल हो सकता है कोई चीज जो है और इंतजार करना पड़े। हाँ अभी ये तो यही बात नहीं पता है तो कि है। एग्जैक्टली होगा कब, हाँ क्योंकि नहीं, केंद्र, जैसे अभी क्योंकि अभी तक सरकार गवर्नमेंट, के क्योंकि गवर्नमेंट अभी तक एग्जैक्टली घोषणा तो किया नहीं है डेट वगैरह। तो फिर क्यों इतना इतना डीपली फालतू चीजों को क्यों सर, सोचना है कि क्या होगा? आपको डीपली जानकारी होती है, आप बताते हैं 100 दिन में, तो इसीलिए पूछ रही थी। अरे तो हमने बताया 100 दिन, तो 100 दिन अभी शुरुआत हुए हैं, धैर्य रखिए। वैसे 18 से 22 तक अभी जो है ये संसद बैठने जा रहा है, इसमें तो देखिए क्या होने जा रहा है। आप अगर छत पर जाना है तो अगर आपके घर में जो सीढ़ियां बनी हैं उनमें 15 स्टेप हैं, तो क्या सबसे ऊपर वाले पर नजर डालती हैं सबसे पहले, कि सबसे पहले पहले वाले पर नजर डालती हैं, सबसे पहले वाले से उस पर नजर डालती हैं, उस पर पैर रखती हैं, फिर एक एक चढ़ते जाती हैं तो ऊपर पहुंच जाती हैं? तो उतना दूर क्यों सोचने लगती हैं तुरंत? पहले जो सामने आ रहा है, जो चीजें सामने हैं उस पर नजर रखिए। अभी सामने है 18 से 22 का जो है संसद, अभी सामने है कि बीएड को प्राइमरी में वैलिड करना, ये सब जो अभी सामने आया है ये सब चीज, तो पहले इस पर नजर रखे ना, ये कब हो रहा है? हाँ, ये तो इसके बाद ही तो और आगे की चीजें होंगी ना। अभी हाँ देखिए सर। आज, अभी ये देखिए आज न्यूज आया है सुरक्षा कर्मी और सफाई कर्मी भर्ती का, तो इसके लिए क्या कोई धरना हुआ था या किसी ने कोर्ट कचहरी याची वाला काम किया था? किसी ने नहीं किया था, गवर्नमेंट कर रही है ना, जब उसको जो काम करना है तो बस धैर्य रखिए, गवर्नमेंट करेगी। आप जो वो आज्ञा पत्र वाला, जो मतलब उसे 20 पॉइंट क्या मीटिंग वाला, आदेश हाँ है, हाँ, तो उसमें वो पेपर में भी है सर? वो पेपर में शायद, न्यूज पेपर में नहीं है ना, आपने जो बताया है। वो मीटिंग था, गोपनीय मीटिंग था, वो कहीं किसी की जानकारी में नहीं था, हमें जानकारी हुई, हमें लेटर मिला, हमने उसकी जानकारी दिया, फिर बाद में हमने वो लेटर भी डाला, और कहीं किसी ग्रुप में उसकी चर्चा नहीं थी, क्योंकि वो गोपनीय मीटिंग था। तो गोपनीय मीटिंग था, मीटिंग हो चुका है, उसमें जो जो निर्णय लिया गया है उस पर आगे काम गवर्नमेंट कर रही है, उससे संबंधित जो भी न्यूज आएंगे जैसे ही आएगा आगे का बताया जाएगा। जब तक बीएड प्राइमरी में वैलिड करने का ये काम नहीं हो जाता है तब तक धैर्य रखिए। हाँ सर, मुझे लगता है कि आप भी मीटिंग के ही मेंबर रहे होंगे, आप भी कुछ हैं उसमें, लेकिन आप तो नहीं करते हैं। जितनी जानकारी मिल रही है बस उतनी जानकारी लेते रहिए, आम खाइए, गुठलियां ना गिनिए, ठीक ठीक है? चलिए जुड़े रहिए और अपडेट लेते रहिए, और फालतू चीजों में याची वाची ये वो किसी भी मैटर में बनने की जरूरत नहीं है, सर, थैंक ठीक यू है? सर। रखें फिर। ठीक है, थैंक यू। वेलकम।